तो एपिसोड 13 में हम लोग बिहार का फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विजिट किए, दैट इज नालंदा। और अब बारी था द सेकंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन बिहार, दैट इज द प्लेस जहां बुद्धा एनलाइटेंड हुए थे, बोध गया। 289 केजी गोल्ड, ऊपर से गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड किया। तो आपको गया जाकर आपको डीम से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये जगह है जहाँ से बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ पूरा वर्ल्ड में। तो हम लोग अभी बोध गया यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंटर करने जा रहे हैं। नाथ सिंह, आप लोगों को भगवान बुद्ध को ज्ञान स्थली पे स्वागत है। जो बुद्ध गया में आप लोग जो आए हैं, ये बुद्ध गया का फर्स्ट नेम है उरुवेला। ये उरुवेला फॉरेस्ट में सिद्धार्थ गौतम आए थे। जो महाबोधि ट्री है ये टेम्पल का बैक साइड में है। उस ट्री के नीचे में ओनली फॉर 7 डेज मेडिटेशन किए थे, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उनका नाम चेंज हो गया, गौतम बुद्ध हुए। उस टाइम इस जगह का नाम पड़ा बुद्ध गया। बुद्ध गया का फर्स्ट नेम है उरुवेला और सेकेंड नेम है बुद्ध गया। बुद्ध गया ज्ञान मिलने के बाद में इस महाबोधि कंपाउंड के अंदर में 7 डिफरेंट प्लेस पे बैठकर खड़े होकर भगवान बुद्ध ने यहाँ पे टोटल 7 वीक मेडिटेशन किए हैं। यानी 7 × 7 वीक टोटल 49 डेज। इसके बाद में यहाँ से भगवान बुद्ध ने सारनाथ में चले गए थे। सारनाथ नियर द वाराणसी इन यूपी, वहाँ पे भगवान बुद्ध ने फर्स्ट टीचिंग दिए थे 5 डिसाइपल को। इसके बाद वहाँ से बुद्धिज्म को धर्म प्रचार करते हुए अपना इंडिया में लास्ट में पहुँचे कुशीनगर। कुशीनगर स्टेट यूपी में पड़ता है, लगभग गोरखपुर को नज़दीक में। वहाँ पर उनको महापरिनिर्वाण जो डेथ हुआ कुशीनगर में बिफोर क्राइस्ट 483 BC में, उस समय बुद्धा का टोटल लाइफ था 80 ईयर्स 80। तो 7 डिफरेंट प्लेस का मीनिंग है सर, मैंने आपको अंदर में प्लेस को भी बताएंगे और उसका मीनिंग भी बताएंगे। एक न्यू स्टोरी बता रहे हैं मैंने आपको कि जो महाबोधि टेम्पल का टॉप में जो लगा हुआ ना ऊपर में जो येलो कलर दिखाई दे रहा है, येलो कलर जो है ना टॉप में जो है, ये 12 नवंबर 2013 को यानी 7 ईयर्स बाई थाईलैंड का किंग 289 केजी गोल्ड ए डोनेटेड ले लिए। और थाईलैंड का किंग का नेम था भूमिपोल, जो आज से 3 ईयर्स बाई वो डेथ हो गई। अच्छा, वो ऊपर गोल्ड। इस टेंपल का सर 4 नाम से जाना जाता है, महाबोधि टेंपल, महाबोधि महाविहारा, संबोधि द्वार, और यहाँ का जो लोकल लोग है इसको बोलते हैं बौधारू, यानी कि भगवान बुद्ध का फेस है यहाँ। अच्छा अच्छा, तो ये टेंपल 4 नाम से जाना जाता है। इसे रेलिंग है, ये न्यू रेलिंग है सर, अभी बिल्कुल न्यू है। अच्छा, एक मिनट, ये जितना भी रेलिंग है, हाँ, पहला ये रेलिंग ईंट के बना हुआ था। अच्छा, तो ब्रोकन टूट रहा था। अच्छा, तो उसको हटा कर ये न्यू रेलिंग ये नीतीश कुमार ये डोनेशन में दिए हैं। अच्छा अच्छा, ये शायद 2013 को। अच्छा, 2013, तो अभी फाइनल ये रेलिंग हुआ है लेकिन गेट का काम जब ये ना चल रहा है। अच्छा अच्छा, इस टेंपल का नाम है महाबोधि टेंपल। इस टेंपल का टोटल हाइट है 180 फीट। अच्छा, ऑफ दिस टेंपल गौतम टू टॉप। अच्छा, आज से लगभग 2300 ईयर्स पहले सम्राट अशोक ने इस टेंपल को हाइट ओनली 30 फीट बनाए थे। 30 फीट? अच्छा, ओनली फॉर 30 फीट फर्स्ट सेंचुरी बीसी में सम्राट अशोक बनाए थे। हाँ, ये सामने में सर व्हाइट पिंजर देख रहे हैं ना, व्हाइट जो पिंजर है कबूतर, पिंजर कबूतर जो है वो रेलिंग पे लाइन से जो छोटे छोटे स्तूप लगा है यहाँ तक सम्राट अशोक बनाए थे। अच्छा, सम्राट अशोक ने टेम्पल नहीं बनाए थे, एक स्क्वायर अस्तूपा बनाए थे। अच्छा, ये पिजन जहाँ बैठा है वहाँ तक, यहाँ तक जो राउंड राउंड स्तूप दिखाई दे रहा है ना रेलिंग पे। अच्छा अच्छा, आप सम्राट अशोक बनाए थे। अच्छा अच्छा, वहाँ इसके बाद इसका जो ऊपर का पार्ट है 150 फीट, हाँ, ये समुद्र गुप्त ने बनाए थे। अच्छा, गुप्ता डायनेस्टी से आ गए। अच्छा, समुद्र गुप्ता का टाइम था 4th century AD का, यानी आज से लगभग 1600 ईयर्स बैक। ये 4th century AD में टेम्पल बनने के बाद में 1205 AD में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने टेम्पल को ऊपर से 30 फीट तोड़कर ऑल कंपाउंड को मिट्टी से कवर कर दिए थे, मिट्टी से ढक दिए थे। अच्छा, इसकी अच्छा, हाँ, ऊपर से 30 फीट तोड़कर। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे 1880 में ब्रिटिश गवर्नर आए थे, उनका नेम था लॉर्ड कनिंघम।
कनिंघम ने इस टूटे हुए टेम्पल को फिर से बनाए और ऑल कंपाउंड को खुदाई करवाए। आप लोग जितने भी इस कंपाउंड के अंदर में जो स्मॉल स्मॉल वस्तुएं देख रहे हैं, टोटल कंपाउंड के अंदर में 485 वस्तुएं हैं। अच्छा। ये सारी खुदाई से प्राप्त हुआ। अच्छा। वरना ये 600 कंटिन्यूस अंडरग्राउंड मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। अच्छा अच्छा। जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, महाबोधि ट्री, ये टेम्पल का बैक साइड में है। अच्छा। ज्ञान मिलने के बाद में उनका नाम चेंज हो गया गौतम। गौतम बुद्ध। अच्छा। यहाँ पे से जो आर्च देख रहे हैं ना, ये दिसवन, ये जो है इसे अशोका गेट कहते हैं। अच्छा। सम्राट अशोक बनाए थे 3rd century BC में। हाँ। ये 2300 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा। लेकिन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने 1205 AD में इसे ब्रोकन तोड़ दिए, इसको भी तोड़ दिए। तो मठ के अंदर से लॉर्ड कनिंघम को लेफ्ट साइड का पार्ट नहीं मिला। हाँ। ये डुप्लीकेट लगाए हैं, बाकी जितने भी अनदर पार्ट है। हाँ। ये ओरिजिनल है। अच्छा, ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। इस स्टोन को बोलते हैं सर सैंडस्टोन। सैंडस्टोन, ये सैंडस्टोन से बना है। हाँ। इसको बोलते हैं ये ग्रेनाइट है, इसको बोलते हैं सैंडस्टोन। हाँ, वही तो, ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है। ये भगवान बुद्ध का सर जी ये फुट प्रिंट है। अच्छा। फुट प्रिंट है, ये वेरी बिग साइज है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये काल्पनिक है, जिसको बोलते हैं इमेजिनेशन। सम्राट अशोक बनाए थे 3rd century BC में। अच्छा, ये 2300 ईयर्स ओल्ड। 2300। यस। सर, इस टेंपल के अंदर में भगवान बुद्ध का सिंगल स्टेचू है सर। हाँ, अच्छा। इस स्टेचू को सम्राट अशोक ने और समुद्रगुप्त ने। हाँ। इस टेंपल के अंदर में बुद्धा का स्टेचू नहीं बनाया। अच्छा। तो डेट टाइम यहाँ पे बुद्धा का फुटप्रिंट, बोधि ट्री और ये स्तूप का पूजा होता था। अच्छा, मतलब ये फुटप्रिंट, पीछे बोधि ट्री एंड ये स्तूप का पूजा होता था। अच्छा, क्योंकि भगवान बुद्ध खुद बोले थे कि मूर्ति का पूजा नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो जब ही से पाला डायनेस्टी आया, हाँ, नरेश पाल, धर्म पाल, महीपाल, पाला डायनेस्टी जब ही मूर्ति का स्थापना किए, उस टाइम से मतलब पूजा मूर्ति का स्टार्ट हुआ। अच्छा, उससे अच्छा। पहले मूर्ति का पूजा नहीं हुआ। यानी 9th century AD से 10th century AD। हाँ। सॉरी। हाँ। तो ये स्टेचू है, ये 10th century AD में। हाँ। वेस्ट बंगाल का राजा महीपाल बनाए थे। महीपाल पाला डायनेस्टी। अच्छा। बुद्धा का स्टेचू है, ये रियल में ब्लैक स्टोन का बना है। हाँ। ये अपर साइड ये गोल्ड प्लेटेड किया हुआ है, ऊपर साइड गोल्ड प्लेटेड किया हुआ है। ये एवरी ईयर सर वन टाइम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बैसाखी पूर्णिमा, जो मंथ मई में आता है। अच्छा। उसी को बोलते हैं फुल मुंडे। हाँ। या बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा, तो उसी बुद्ध पूर्णिमा का जो टेंपल का जो कमेटी है। हाँ। ट्रस्ट, उसके द्वारा इसको गोल्ड प्लेटेड होता है एवरी बुद्ध पूर्णिमा हर साल। यस। और एवरी डे इसका टचअप होता है एवरी डे। अच्छा, गोल्ड से? लेकिन हाँ, गोल्ड से। गोल्ड से टचअप होता है, टचअप होता है एवरी डे। अच्छा अच्छा। ये अभी यहाँ पे चांटिंग स्टार्ट होगा इवनिंग टाइम 6:00 को, राइट टाइम 6:00 का स्टार्टिंग होगा। हाँ। और 7:00 को ये फिनिश होगा। उसमें अच्छा। टू लैंग्वेज में चलता है। अच्छा। हाफ एन आवर। हाँ। 6 to 30 minutes। हाँ। टिबेटियन लैंग्वेज। हाँ। 6 to 30, 30 to 7 हाफ एन आवर, ये हाँ। पाली लैंग्वेज चलता है। अच्छा, तो तिब्बतियन एंड पाली। पाली पाली जो ओरिजिनल जिसमें शुरू हुआ था, जिसमें मगध, जिस समय बिहार ये मगध था ना, ये मगध में वो पाली लैंग्वेज चलता था। तो एवरी डे 1 hour इस टेम्पल के अंदर में चांटिंग चलता है। अच्छा। जैसा चांटिंग फिनिश होता है। हाँ। यहाँ पे आरती होता है। अच्छा। आरती होने के बाद में जो उसमें क्लोथ लगे हैं येलो कलर का कपड़े है। हाँ, तो कपड़े पूरे ओपन हो जाता है। अच्छा, पूरा पूरा ओपन कर देते हैं। हाँ। उसके बाद में कपड़ा लगाने के बाद में थोड़ा थोड़ा वो निकल जाता है ना। हाँ, हाँ। तो उसको एवरी डे टचअप करते हैं। अच्छा, तो टचअप शाम में 7 बजे के बाद। अच्छा, हाँ, तब टचअप सही है। अब समझ में। बुद्ध को टाइम में नहीं था, ये बाद में लगाया गया। अच्छा। इसका भी डिटेल मैंने बाहर बताई ने। अच्छा। साइलेंस रहना है, स्मॉल बिंदी लगा हुआ है ना, वो ओरिजिनल है, भगवान का 3 यूनिटेड है। अच्छा, एक मिनट, जो बिंदी लगा हुआ है धर्मा का 3 यूनिटेड। अच्छा अच्छा।
तो वो शिवलिंग क्या कर रहे हैं बुद्ध के सामने? शिवलिंग जो है ना सर, सिक्स सेंचुरी बीसी में यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम आए थे, ज्ञान मिलने के बाद में बुद्ध हुए, उससे 1500 बैक यानी 1500 वर्ष बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा शिवलिंग यहाँ पे लगाया गया। अच्छा, 9th century AD में आदि शंकराचार्य यहाँ आए थे शिवलिंग। यस, और ये सर ये जो रेलिंग बना ना इसमें क्लोथ लगे हैं सर, ये अशोका रेलिंग है। ये सम्राट अशोक बनाए थे। एक सेकंड सर, ये 3rd century BC में सर इस रेलिंग को सम्राट अशोक बनाए थे। ये 2300 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, लेकिन ओरिजिनल नहीं है सर। अच्छा, इसमें 5 जो पिलर है वही ओरिजिनल, बाकी सभी डुप्लीकेट है। अच्छा, लेकिन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने 12th century 5 AD में इसे ब्रोकन तोड़ दिए। अच्छा, तो इसे रिवील करके लॉर्ड कनिंगम बनाए थे 1880 में। अच्छा, ओनली फॉर ऑल रेलिंग के अंदर में 5 पिलर जो है वो ओरिजिनल है, बाकी सभी डुप्लीकेट है। अच्छा, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में सर ऐसा ही कलर में डिफरेंट है। अच्छा, ये देखिए सर, दिस वन ओरिजिनल पिलर। अच्छा, ये डुप्लीकेट है, देख रहे हैं? एक सेकंड, ये ओरिजिनल पिलर था, ये डुप्लीकेट पिलर है। ये लॉर्ड कनिंगम का टाइम का है 1880 में, अभी सम्राट अशोक का टाइम है 3rd century BC का 2300 यस। तो फर्स्ट वन सर, सेकंड ईयर, सेकंड ईयर, ओके। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सर उस तरफ में। दिस वन सर बोधि ट्री। अच्छा, ये हाँ, टू पिलर सर मैंने आपको वहाँ उस जगह दिखाए, ये थर्ड वन यहाँ पे है एंड फिफ्थ फोर्थ यहाँ पे है। ये फोर्थ है, ये फिफ्थ। अच्छा, फिफ्थ है, बाकी सब डुप्लीकेट है। ओके ओके, मेन सीटिंग प्लेस है सर, आप यहाँ से देखिए। एक कल का दिन से सर यहाँ पे एक फंक्शन चल रहा है टिबेटियन का। अच्छा, उसने ये सब भगवान बुद्ध का ये जो येलो कलर जो है ना वाटर में, उसमें वाटर में केसर डाल दिए हैं। अच्छा अच्छा, तो उसका मीनिंग है ओनली फॉर सदा वाटर है, केसर मिक्स है, ये सब फ्लावर्स जो भी आप देख रहे हैं, ये क्लॉथ देख रहे हैं, ये सब भगवान बुद्ध को टिबेटियन लोगों ने ऑफरिंग किए हैं। अच्छा, केसर वाटर तो आज तक है उनका फंक्शन। अच्छा अच्छा, कल का दिन जैसे आपको ये नहीं मिलेगा, फिर दूसरा कंट्री का जो आएगा ना वो ऑफरिंग करके इसके पीछे में पूजा चलता है। अच्छा, इसके पीछे लगा ना उड़न सब। हाँ हाँ हाँ, इसके बैठ कर आराम से पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा, और इसके रेलिंग के अंदर में देखिए जो मंडप देख रहे हैं ना, ये जो सिंहासन बने हैं, इसी सिंहासन के नीचे में जो स्टोन है, इस स्टोन को बोलते हैं सर डायमंड थ्रोन, राइटिंग किया हुआ है ये इसमें सर। अच्छा, श्रीलंका द प्लेस ऑफ इनलाइटमेंट। तो उसी स्टोन पे बैठ के इनलाइटमेंट हुए थे। यस, लेकिन सर बुद्ध को टाइम में ये डायमंड थ्रोन का आसन नहीं था। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि उरुवेला फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट था, बुद्ध को 300 बाइक में इस स्टोन को सम्राट अशोक बनाए थे सेम जगह के। अच्छा, सेम प्लेस पे, इसके लिए प्लेस का नाम है वज्रासन। अच्छा, क्योंकि जो बैठने का जो पोजीशन होता है ना वज्रासन, वज्रासन में सिद्धार्थ गौतम बैठे थे। अच्छा अच्छा, और उनको इलाइटमेंट मिला था। अच्छा, तो ये थ्रोन पे बैठे थे कि कहीं और बैठे थे? नहीं, फर्स्ट वीक यही बैठे थे, यही एग्जैक्ट जगह है। अच्छा, उनका ये जो फेस था ना सर, हाँ हाँ, ईस्ट साइड, हाँ, हियर द ईस्ट, अच्छा, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, का बैग था ट्री की साइड में, हाँ, फेस था ईस्ट साइड में, लेकिन हाँ, उस समय टेंपल नहीं था। अच्छा, उस समय टेंपल नहीं था। हाँ, ये 300 बैग में सम्राट अशोक ने टेंपल को बनाया। हाँ, हाँ, क्योंकि मैंने सम्राट अशोक का टाइम बता रहा है 3rd century BC 2300 BC, और बुद्ध का टाइम बता रहा है 6th century BC 2600 BC, यानी कि बुद्ध का टाइम और सम्राट अशोक का टाइम है वो 300 डिफरेंट, 300 ईयर्स का। जिस समय बुद्ध थे उस समय सम्राट अशोक नहीं थे, नहीं थे। हाँ, सम्राट अशोक बुद्धिज्म को अपनाए थे आफ्टर कलिंगा वॉर। हाँ, जो भुवनेश्वर में हुआ था। हाँ, उस रिवर का नाम था
दया रिवर, दया रिवर, दया रिवर में जो रक्त जो किए थे हाँ। तो बहुत उनको अफसोस आया हाँ। तो उसी नदी में अपना शस्त्र को छोड़कर हाँ। फर्स्ट टाइम वहीं से बुद्धिज्म ज्वाइनिंग किए थे अच्छा। और वहाँ पे एक स्मॉल स्तूप बनाए अच्छा। सेकंड टाइम ये 30 फीट जो बताए ना ये स्क्वायर स्तूप बनाए थे अच्छा, ये स्क्वायर स्तूप जो है और उसके ऊपर फिर गुप्ता डायनेस्टी, फिर गुप्ता डायनेस्टी हाँ ठीक ठीक वो देखेंगे ये जो नीचे है वो जो अंदर जो चौतरे जैसा बना हुआ हाँ, हाँ, हाँ। ये जो येलो कलर का पेंट है जिससे फूल ये सब का कमल का ये सब निशान जो बना हुआ है ना हाँ, हाँ। ये अच्छा अच्छा ये डायमंड थ्रोन है, डायमंड थ्रोन अच्छा ये डायमंड थ्रोन है, डायमंड थ्रोन देखा नहीं जा सकता मतलब हम लोग यहीं से देख सकते हैं, यहीं से देख सकते हैं। इसको जाने के लिए सर आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस में जाना पड़ेगा अच्छा अच्छा, मतलब मॉन्क लोग जा सकते हैं उसका भी अलाउ नहीं है अच्छा अच्छा, ये इसमें ट्रस्ट है अच्छा, ट्रस्ट में 4 हिंदू मेम्बर हैं हाँ, 4 बुद्धिस्ट मेम्बर हैं और डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता है DM वो मेन चेयरमैन है अच्छा अच्छा। तो आपको गया जाकर आपको DM से परमिशन लेना पड़ेगा अच्छा। तो वहाँ से कॉल करेंगे ऑफिस में हाँ। ऑफिस वाले फिर आपके साथ में एक आदमी आएगा हाँ। तो ये लॉक है हाँ। ये खुलेगा तभी आप आ सकते हैं अच्छा अच्छा, समझे समझे समझे। तो अभी हम लोग जितने भी हैं सब देखते हैं, ये रेलिंग सर 1998 में बना है, 1998 में अच्छा पहला एकदम ओपन था, हम लोग एकदम नज़दीक में जाते थे, लेकिन इतना टूरी जब भी चलने लगा ना तो ट्री को हैंड लगाते हैं, हैंड लगाने से इसको ऑब्जेक्शन आ रहा था, इसके लिए कमेटी द्वारा ये रेलिंग लगा दी है, कभी की डेट में इसको देख कर ही प्रणाम कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते अच्छा। ये 1998 में है यस, और यही बोधि ट्री है जिसमें, और वहीं वो बैठ के एनलाइटेंड थे। लेकिन ये जो ट्री है सर हाँ, ये बुद्ध को टाइम से जो है ना, एक सेकेंड सर, ये बोधि ट्री सर बोली 6th century BC में सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान मिला था, ज्ञान मिलने के बाद में बुद्ध हुए, लेकिन ये ओरिजिनल ट्री नहीं है सर, ये बुद्ध को टाइम से ये 4 generation ट्री है अच्छा। फर्स्ट ट्री को राजा अशोक की वाइफ 30 रक्त की चिता ने कट करवा दी थी, क्यों हाँ, अशोका का वाइफ की नाम थी 30 रक या चीता, उनका नाम है ये, उनका नाम, उनकी वाइफ का, वाइफ की हाँ। तो बौद्ध धर्म को नहीं मानती थी वो हाँ, हाँ। जिसने ट्री को कट करवा दी अच्छा। फर्स्ट ट्री कटने के बाद में सेकंड ट्री उसी रूट से निकलता है, सेम रूट अच्छा, उसे वेस्ट बंगाल को राजा शशांक ने कट करवा दिया था अच्छा। वो भी बुद्धिज्म को नहीं मानते थे, वो भी पावरफुल हिंदू किंग थे अच्छा। इन्हीं लोग के वजह से जो है अपना इंडिया में बुद्धिज्म का फॉलो नहीं हो पाया हाँ। तो बुद्धा का डिसाइपल करके कि अदर कंट्री में बुद्धिज्म का धर्म प्रचार फैला, तो सबसे बुद्धिज्म का कंट्री सर 3 कंट्री है, थाईलैंड, बर्मा एंड श्रीलंका अच्छा, ये 90% है, बाकी जपान, कोरिया, इंडोनेशिया इस समय जो है ना 40% है। तो जापानीज लोग पूरा बुद्धिस्ट नहीं है? नहीं, उसमें 40-50% है अच्छा अच्छा। थर्ड ट्री सेम रूट से निकलता है, अपने आप आंधी तूफान से गिर गया अच्छा। ये जो 4 जो ट्री देख रहे हैं ये रूट से नहीं आया है अच्छा। इसको लगाया गया है हाँ। इसका एज है 140 years old 140 अच्छा। तो जब यहाँ पे फर्स्ट ट्री था हाँ। तो राजा अशोक ने अपना सन एवं डॉटर को महेंद्र और संगमित्रा को वन रूट देकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिए थे, तो उन्होंने उस रूट को अनुराधापुर श्रीलंका में लगा दिया था, अनुराधापुर टुडे हाँ, जो टुडे आज भी प्रेजेंट है, जो श्रीलंका में ट्री है ऑल वर्ल्ड में नंबर 1 पे ओल्ड ट्री है, 2300 years old अच्छा, श्रीलंका वाला। तो यहाँ पे ऑल ट्री नष्ट हो जाने के बाद में इसे अनुराधापुर श्रीलंका से लाकर उसी जगह पे लगाया गया जी, तब 140 इयर्स वाला हाँ, हाँ, अच्छा। लॉर्ड कनिंगम ने श्रीलंका से 2 रूट मंगाए थे, तो फर्स्ट यहाँ लगाए थे और सेकंड सारनाथ में लगाए थे जहाँ पे भगवान बुद्ध ने फर्स्ट टीचिंग दिए थे अच्छा। फर्स्ट वीक जो बताया मैंने आपको वज्रेशन वज्रासन में 7 days कंटिन्यूअस बैठे थे डे एंड नाइट, और उनको लाइटमेंट मिला था, इसके लिए प्लेस का नाम पड़ा वज्रासन ज्ञान स्थली। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड थर्ड फोर्थ प्लेस आगे में देखेंगे, और ये भी सर बुद्धा का फुटप्रिंट है, जो फर्स्ट टाइम बताए थे ना दोनों सेम ही है,
ये भी काल्पनिक है, इमेजिनेशन। अच्छा, ये जो सम्राट अशोक बनाए थे 3rd century BC में, ये 2300 ईयर्स ओल्ड। यस, देखिए मैंने आप लोग को फर्स्ट वीक बताए बोधि ट्री, जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम को फुल इनलाइटमेंट ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने के बाद में भगवान बुद्ध ने सेकेंड वीक, लेफ्ट साइड में से ट्री है, ट्री की बैक साइड में एक स्मॉल टेम्पल है। ज्ञान मिलने के बाद में भगवान बुद्ध ने उस प्लेस से 7 days कंटिन्यूअस जिस पोर्शन से एक्सटेंडेड पोर्शन से बोधि ट्री को देख रहे थे, लेकिन उनको आइज ये बंद नहीं हुआ था। अच्छा, नो ब्लिंकिंग। अच्छा, उसे अनिमेश लोचन टेम्पल कहते हैं। अच्छा, लोचन का मीनिंग होता है सर आइस, मेश मिस होता है देखना। इसके बाद में ज्ञान मिलने के बाद में थर्ड वीक इस प्लेस में चन्न कर्मन करते थे। चन्न कर्मन जो लैंग्वेज है ये पाली लैंग्वेज है। अच्छा, चन्न कर्मन का मीनिंग होता है वॉकिंग मेडिटेशन। अच्छा, यानी चलते हुए तपस्या करना। तो जब भी भगवान बुद्ध ने चलते थे उनको फुट यानी पैर ये जहाँ जहाँ जमीन पे ये पड़ता था वहाँ वहाँ जमीन के अंदर से ये लोटस फ्लावर्स निकलता था। अच्छा, तो ओरिजिनल लोटस तो नहीं रह सकता था, तो उसी को इंडिकेट कर यानी इमेज कर सम्राट अशोक ने ये स्टोन में लोटस का निशान बनाए थे। ये 2300 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने 12th century 5 AD में इसे भी ब्रोकन तोड़ दिए। अच्छा, तो डाउन साइड का टोटल स्टेप है 11 पार्ट है, ये ओरिजिनल है, दिस वन से डुप्लीकेट है। देखिए इसमें भी लोटस बना हुआ है। अच्छा, ये 19 है 19, ये लॉर्ड कनिंगम ने बनाए थे 1880 में, ये 140 ईयर्स ओल्ड है। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल सर, ये बोले आप। अच्छा, ये सारे ओरिजिनल नीचे का डाउन साइड, ये सब ओरिजिनल है, ऊपर वाला डुप्लीकेट है। ये जो बिग जो ट्री देख रहे हैं सर, दिस वन, इस ट्री को नीचे में भगवान बुद्ध ने फोर्थ वीक मेडिटेशन में थे, जिस आसन को बोलते हैं ना बैठने का पद्मासन, पद्मासन में जब ये ध्यान में थे तो उनको यहाँ से बॉडी से ऑटोमेटिक 5 different color कलर निकले थे, जिसके प्रतीक से ये देखिए गेट के ऊपर जो फ्लैग देख रहे हैं सर, ऊपर में गेट के ऊपर जो फ्लैग लगे हैं उसमें फर्स्ट कलर स्टार्टिंग है ब्लू, येलो, रेड, व्हाइट, ऑरेंज, उसे पंच सील फ्लैग कहते हैं। जो गेट के ऊपर जो गेट के ऊपर में जो है, अच्छा अच्छा, वो किसी कंट्री का फ्लैग नहीं है, ओनली फॉर, उसे पंच सील फ्लैग कहते हैं और बुद्धिस्ट फ्लैग कहते हैं। अच्छा, वो फ्लैग का महत्व इसी ट्री को नीचे से है। ऑल वर्ल्ड में कहीं भी आप लोग बुद्धा का टेम्पल या सोसाइटी आप देखेंगे वहाँ आपको 5 color का फ्लैग देखने को मिलेगा। अच्छा, इस प्लेस का नाम है रतन होम। अच्छा, या रतन घर। हाँ, रतन का मीनिंग होता है ज्वेल्स। हाँ, ज्योति। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग 5th place, 6th और 7 अशोका पिल्लर टेम्पल का उस तरफ में। उस तरफ। अच्छा, ये जो 5 color आप बोले ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 5 color का रीजन देता है कि चोरी नहीं करना है। अच्छा, हिंसा नहीं करना है, ड्रिंकिंग नहीं करना है। मैंने बोल रहा हूँ आपको, प्लीज रिक्स हो गया तो मैं आप रिक्स नहीं लिया, टूरिज्म का आपको मीडिया में चाहिए, आपको देना है। मैं टूरिज्म से अथॉरिटी नहीं है, लोग अपना मर्जी से आपको लूटेगा, लूटेगा कहाँ जाएगा, ये वहाँ जहाँ तक जाएगा वहाँ तक बिक्री कर देगा। कौन नहीं कर रहे हैं लोग, डिस्टर्ब मत कीजिए अभी, आप प्लीज मेरे से बात करना है। पुलिस खाएगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा फिर। हाँ, लेके आओ, जो पुलिस डीएम कलेक्टर जो भी लेके आना लेकर आइएगा। ये कुआ नहीं है, मंदिर है, पूजा करने की स्थान है। ये पंचशील का सिद्धांत है सर, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, ड्रिंकिंग नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। व्यभिचार करना है कि किसी को गलत निगाह से देखना नहीं है। ये पंचशील का सिद्धांत ये मतलब दिए थे, यही 5 color का उनको बॉडी से निकला। अच्छा अच्छा, वो जो ऊपर लगा था यहाँ से देखिए सर, यहाँ से आइए ना, दिखाएगा कलर सब सेम, पांचों सेम है, झंडा में कलर सेम है। एक सेकंड है, इस प्लेस का नेम है सर अजपाला निग्रोधा ट्री मिस बेनियन ट्री। अच्छा, ये निग्रोधा है एक पाली लैंग्वेज है, निग्रोधा का मीनिंग होता है बेनियन ट्री। अच्छा, अज मिस होता है बकरी, जिसको गोट गोट बोलते हैं, पालमिस पालने वाला, यानी बकरी को रखने वाले को अजपाल कहते हैं। अच्छा, बुद्धा को ज्ञान मिलने के बाद में 5th week इस प्लेस से मेडिटेशन करते हुए एक ब्राह्मण को बोले थे कि मनुष्य जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है,
कर्म से ब्राह्मण होता है। ह्यूमन इज बिकम टू ब्राह्मण नॉट बाय बर्थ। बुद्धा को टाइम में यहाँ पे बेनियन ट्री था, वो आंधी तूफान से गिर गया, तो उसी को मेमोरी में सम्राट अशोक ने यहाँ पर वन पिलर बनाया। ये पिलर 2300 ईयर्स ओल्ड है, ये भी सैंडस्टोन से बना है। नेक्स्ट हम लोग सर अशोका पिलर देखेंगे। ये जो स्मॉल बिग जो स्तूप बताए, ये 485 स्तूप है। ये स्तूप का मीनिंग है 6th century BC में सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने के बाद में बुद्ध हुए। तो जैसा बुद्धिज्म का धर्म प्रचार होते गया, तो उस समय बुद्धा का यहाँ पे डिसाइपल शिष्य लोग आते थे। वो आने के बाद वो मन्नत मानते थे, जब उस समय उनको मन्नत मनोकामना पूरा होता था, एक ऐसा स्मॉल स्तूप बनाकर यहाँ से चले जाते थे। इसको मनोकामना स्तूप बोलते हैं या अस्तूप बोलते हैं। मतलब जो उनके डिसाइपल आके जब मनोकामना मांगे पूरा हो गए, फिर पूरा होते समय ये करते थे। पूरा होने के बाद में फिर यहाँ नेक्स्ट टाइम आते थे। पूरा हो जाने के बाद में एक ऐसा छोटा स्तूप बनाकर चले जाते थे। अच्छा, मनोकामना पूरा होने का निशान है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिवोटीज अस्तूपा। अच्छा, इसके अंदर में किसी का अस्थि डेट बॉडी नहीं है, ये सिर्फ मनोकामना स्तूप है। लेकिन मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा सभी जो भी ब्रोकन खंडित कर दिए हैं, तो लॉर्ड कनिंघम को जो सेम अस्तूपा का पीसेस जो मिला, तो फिर उसी जगह पे सारे ज्वाइनिंग किए इसे। देख रहे ना, मतलब नहीं समझे। अभी देखिए यहाँ से टूटा, खुदाई करते समय जिसका पार्ट जो मिला, तो फिर उस जगह पे रिवील किया है। देख रहे हैं ना, सब सीमेंट द्वारा। नहीं समझे, फिर से एक बार बोलिएगा। तुम देखिए ये जो बिग स्तूप देख रहे हैं ना सर, ये वो टूटा हुआ है ना, वो तीन चार भाग में है। तो टूटा हुआ भाग मिट्टी के अंदर से ब्रिटिश वाले लॉर्ड कनिंघम को जो सेम जो मिला, तो फिर सीमेंट द्वारा उसी जगह पे सेट किया। सेम जगह। जिसका कोई पार्ट नहीं मिला, ब्रोकन पीसेस को यहाँ पे थ्री प्लेस पे सेव किया है। फर्स्ट नंबर देखिए ब्रोकन पीसेस है, ये देख रहे हैं जिसमें क्लोथ लगे हैं। अच्छा, सब टूटे हुए जोड़ कर, मतलब एक और न्यू स्तूप पे गाइड कर दिए। और सेकंड नंबर से देखिए वहाँ पे बड़ा वाला, हाँ बड़ा वाला जो देख रहे हैं ना, बड़ा वाला जो सामने है, ये सामने में है, वो सब टोटल ब्रोकन पीसेस है। अच्छा अच्छा, और उसी का अपोजिट साइड में एक और है। अच्छा अच्छा, हाँ देख रहे हैं ना, ये तीसरा नंबर जिसका कोई पार्ट नहीं मिला, तो सीमेंट द्वारा ज्वाइनिंग करके एक न्यू रेडी स्तूप और रेडी कर दिया। अच्छा अच्छा, तो सेकंड इधर है, मतलब बेल के पीछे ये, एंड थर्ड बेल के पीछे उधर। अच्छा अच्छा, ये जो बेल है ये 1000 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, ये बर्मा का किंग यहाँ पे डोनेटेड में दिया है, जिसको बोलते हैं ना पंच धातु। पंच धातु से बना हुआ है। अच्छा, जैसा का लोहे तांबे पीतल से मिक्स जो होता है ना। अच्छा, पंच जो फाइव एलिमेंट से बना है, फाइव मीटर से बना हुआ। अच्छा, है इसको हम लोग हैंड से बजाते हैं। अच्छा, पहला इसमें लोहे का था, तो बहुत ऑब्जेक्शन होता था, तो कमेटी ने निकाल दिए है। अच्छा, तो अभी हैंड से बजाते हैं, जिसका हम जो सॉन्ग जो निकालता ना, ऐसा ओम का इसमें से उच्चारण देता है। अच्छा, तो लोहे में बजाने में क्या इशू था, लोहे का बजाने में क्या इशू था? पंच धातु एक शुभ माना गया है। अच्छा अच्छा, उसको लाठी से धर्म चक्र भी है, सिंगिंग बेल भी बोलते हैं। अच्छा, ये शुभ पंच धातु को माना है, इसके लिए पंच धातु का बेल यहाँ पे बर्मा का किंग यहाँ डोनेटेड में दिया। अच्छा अच्छा, देखिए अभी इसका सॉन्ग। इसका जो वाइब्रेटिंग जो है ना, काफ़ी देरी तक रहता है। अच्छा, ऐसा बजाने के बाद में जो है ना, अभी हैंड भी लगाएंगे तो इसका वाइब्रेशन नहीं जाता है। इसके अंदर जाइए, अभी तक क्लीन आवाज़ आ रहा है। हाँ अभी तक है। अच्छा, अभी तक है। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, हाँ ये 4 months यहाँ सीजन टाइम होते हैं। अच्छा, जितने बुद्धिस्ट कंट्री था ना, थाईलैंड बर्मा जापान श्रीलंका कम्बोडिया टोटल प्रेजेंट होते हैं। उस समय आपको यहाँ पे फॉरेनर नजर आता था। अच्छा अच्छा, और ऐसा उन लोग डेकोरेशन करता है ना, उनका 1x1 पूजा चलता है। एक बार आने के बाद में उसको डेकोरेशन के देखने के बाद में ऐसा बाहर निकलने का मन नहीं करता है, लेकिन इस साल अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, ये अशोका पिलर।
ये पिलर का नेम है अशोका पिलर, ये सम्राट अशोक बनाए थे 3rd century BC में। ये 2300 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने 12th century 5 AD में ये इसी भी ब्रोकन तोड़ दिए। तो अभी ये प्रेजेंट में पिलर का हाइट ओनली फॉर 15 फीट बच रहा है। ओरिजिनल 15 है? ओरिजिनल 15, 85 फीट ब्रोकन हो गया। अच्छा, 100 फीट का था पिलर। अच्छा, तो जब इस पिलर को हाइट 100 फीट था, तो इसी को टॉप के ऊपर में लाइन हेड था, जो अपना करेंसी नोट पर जो प्रिंटिंग है शतमेव जयते अशोका चक्र, पैसे पैसे 3 दिखाता है, 3 लाइन हेड, लेकिन एक्चुअली उसको में 4 है, एक बैक साइड दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके ऊपर 4 नहीं था, इसके ऊपर 3 लाइन हेड था। अच्छा, जो 4 था वो सारनाथ में अशोका पिलर बनाए थे, उसको ऊपर 4 लगाए थे, वो अपना इंडिया गवर्नमेंट का नेशनल एम्ब्लेम पहचान बना। सारनाथ का जो ब्रोकन पार्ट है और सारनाथ का म्यूजियम में रखा हुआ, इसको ऊपर 3 लगाए थे, इसको बोलते हैं 3 धम्पाद। ये 3 धम्पाद का मीनिंग है 3 मंत्र, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो यहाँ का लाइन हेड जब ब्रिटिश वाले ने एक्सकवेटेड जब ये खुदाई कर रहे थे, तो मिट्टी के अंदर से जो मिला 3 लाइन हेड, तो उसको सेफ्टी के लिए कलकत्ते का इंडियन म्यूजियम में रखे थे। अच्छा, वहाँ है। यस, सम्राट अशोक ने केवल 2 पिलर नहीं बनाए थे, पूरी अपने इंडिया में 27 पिलर बनाए थे, 27 पिलर। अच्छा, बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली, श्रावस्ती, दिल्ली, सांची, लुम्बिनी, इलाहाबाद, उसमें से 2 पिलर मेन माना गया, फर्स्ट नंबर सारनाथ का और सेकेंड नंबर बुद्ध गया का। बुद्ध गया कैसे अशोक पिलर गए थे। इस पौंड का सर जी मीनिंग है, ज्ञान मिलने के बाद में भगवान बुद्ध ने इस प्लेस में मेडिटेशन में थे, 6th week। तो जब 6th week, अच्छा, मैंने 5th बताया, ये 6th week है। तो 6th week जब ही मेडिटेशन में आप इधर आए, तो आंधी तूफान बरसा आए यानी हैवी रेन, तो बुद्धा को रक्षा करने के लिए ये नागराज मुचलिंद ने निकले और इस पोजिशन से सेफ्टी किए। अच्छा, लेकिन भगवान बुद्ध को टाइमिंग में ये पौंड, बुद्धा का स्टेचू, स्नेक यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया कि उरुवेला ये फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट था। अच्छा, इस पौंड को लॉर्ड कनिंगम बनाए थे 1880 में, और आपने ये बुद्धा का स्टेचू स्नेक जो देख रहे हैं ये न्यू बना है 1984 में। अच्छा, इसे बर्मा देश का लोग बनाए थे। अच्छा, इसको बर्मीज बॉर्डर बोलते हैं। अच्छा, इस सरोवर का नाम पड़ा मुचलिंद सरोवर, ये मुच नेम का नागराज निकले थे। अच्छा, तो उन्हीं का नेम से इस सरोवर का नाम पड़ा मुचलिंद सरोवर। मुचलिंद, और ये 2 days का सर मैंने आपको फंक्शन बताया ना कि त्यौहार चल रहा है टिबेटियन का, ये देखिए सारे क्लॉथ में टिबेटियन लैंग्वेज उनका मंत्र है। अच्छा, ये मंत्र को राइटिंग करके ये भगवान बुद्ध को सभी ऑफरिंग किया है, तो ऑलरेडी ऑफरिंग किया हुआ है। इस प्लेस का नेम है राज इतना एक काइंड ऑफ फॉरेस्ट्री, इस ट्री का ही नाम है फॉरेस्ट्री, हिंदी में बोलते हैं एक जंगली पेड़ है। ज्ञान मिलने के बाद में भगवान बुद्ध ने ये 7th लास्ट वीक जब भी बुद्धा मेडिटेशन में थे, तो बर्मा देश का 2 businessmen आए थे, उनका नेम था तपुसा एंड भलिका। उन दोनों व्यापारी ने भगवान बुद्ध को ऑफर खाने के लिए राइस का लड्डू, हनी केक ऑफरिंग में दिए थे। भगवान बुद्ध ने मेडिटेशन में थे, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो अपना हेड का कुछ बाल दिए थे। तभी उन लोग दोनों व्यापारी यहाँ पे 2 मंत्र बोले थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इसका मीनिंग है कि मैं बुद्ध को शरण में जाता हूँ एवं बुद्ध धर्म को शरण में जाता हूँ। ये 2 मंत्र को बोलते हुए 2 businessmen ने बुद्धा को हेयर बाल को लेकर वो बर्मा पहुँचे। बर्मा में बुद्धिज्म को धर्म प्रचार करते हुए एक बर्मा में प्लेस, जगह का नाम है रंगून, वो ग्राउंड के ऊपर में रखकर एक पगोड़ा बनाए। इसके बाद यहाँ से भगवान बुद्ध ने सारनाथ में चले गए, जो वाराणसी को नज़दीक में यूपी में। सारनाथ ने फर्स्ट टीचिंग 5 लोगों को दिए थे, तभी 5 लोगों ने बोले थे संघम शरणम गच्छामि। संघ का मीनिंग होता है ग्रुप या सोसाइटी, जो बौद्ध धर्म को फर्स्ट टाइम संघ यानी ग्रुप स्टार्टिंग हुआ वो सारनाथ से हुआ। और 4 जो मैंने सर आप लोगों को प्लेसेस बताएंगे बुद्धिज़्म का, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस माना गया है। फर्स्ट नंबर में आता है लुम्बिनी नेपाल, सिद्धार्थ गौतम का बर्थ प्लेस, 563 BC में उनको जन्म हुआ था। सेकंड नंबर बुद्ध गया,
528 BC में इनको इलाइटमेंट मिला। थर्ड नंबर सारनाथ जहाँ पे फर्स्ट टीचिंग दिए, फोर्थ नंबर कुशीनगर जहाँ पे उनको डेथ हुआ। उस समय बिफोर क्राइस्ट 483 BC में उस समय टोटल बुद्धा का एज था 80 years 8 0। तो इसी को सेवन प्लेस कहते हैं। सेवन प्लेस में फर्स्ट वीक मैंने आपको बताया बोधि ट्री, जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने के बाद में बुद्ध हुए। सेकंड वीक अनिमेश लोचन टेम्पल, हर वीक वॉकिंग करते थे उनको फूट के अंदर से लोटस निकला। फोर्थ वीक उनको बोधि से 5 colors निकले थे, इसके प्रतीक से योग फ्लाइ गए गेट के ऊपर साइड में। फिफ्थ वीक मेन एंट्रेंस पे एक ब्राह्मण को बोले कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से होते हैं। सिक्स्थ वीक पौंड आंधी तूफान से बुद्धा को नागराज ने रक्षा किए थे। और सेवन्थ वीक वर्मा देश का 2 बिजनेस मनाए थे, तभी बोले थे बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि। तो सेवन डेज सेवन डिफरेंट प्लेस पे बैठ कर खड़े होकर 7 weeks टोटल 49 days मेडिटेशन किए, तो इसी को 7 places कहते हैं। 49 days में ही उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ओनली फॉर 7 days में ज्ञान मिला। अच्छा, 7 days ज्ञान मिलने के बाद में 7 days 6 weeks और मेडिटेशन किए थे, 6 + 1 टोटल 7, यानी 49 days। मुझे सर पहले 7 days में मिल गया था, बाकी और मेडिटेशन कर रहे थे, कर रहे थे। इसका भी मीनिंग है कि 7 days क्यों किए, 7 days मेडिटेशन क्यों किए। हाँ, क्योंकि सर जब भी इनको लुम्बिनी नेपाल में, इनका मदर का नाम है महामाया देवी, जब भी महामाया देवी वो जन्म दिए थे, तो जैसा सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लेते ही वो 7 steps चले थे, जस्ट बोर्न जस्ट वॉकिंग द 7 steps। तो जैसा 7 steps चले थे तो 7 जगह पे लोटस निकला था, उसी को इंडिकेट कर कर यहाँ 11 चले थे तो कमल निकला, और वहाँ 7 चले थे तो लोटस निकला। और 7 days में ही इनको मदर थी ना महामाया देवी, वो डेथ कर दिए थे, तो उसी को इंडिकेट कर कर यहाँ पे 7 week मेडिटेशन किया। इसी जगह पे मेरा सेवा है सर जी, वो समाप्त होता है सर, माई वर्क द फिनिश। थैंक यू भैया, वेलकम। जाने से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टे रियली हैप्पी एंड इफ यू आर नॉट डू लेट मी नो, आई विल फाइंड यू एंड मेक यू स्माइल। एंड जब तक मैं तुमसे मिल के तुमको हंसा नहीं देता, इस चैनल का बाकी वीडियोस देखते रहो और मुस्कुराते रहो। एंड जाते जाते वो लाइक बटन दबाते हुए चले जाना ताकि यूट्यूब को पता चल जाए ये वीडियो अच्छा है। टिल देन बाय।